करनी सेना के जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने टीआई सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि टीआई ने उनके साथ थाने में मारपीट की है और उन पर झूठी धाराएं लगाई हैं। करनी सेना के विनय प्रताप ने शिकायती आवेदन एएसपी एमआई चौरसिया को देते हुए कोतवाली टीआई सुनील शर्मा पर आरोप लगाया है कि टीआई ने मुझे 2 नवंबर को कोतवाली लाकर बेदर्दी से मेरी पिटाई की और झूठी धाराएं लगाई। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ने के एवज में 50,000 की मांग की है। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो मेरे साथ बर्बरता से पिटाई की गई। उन्होंने बताया, उस दिन मैं पास के गाँव में एक धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त था जो एक चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा था, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थी उस समय घटनास्थल पर था ही नहीं। आज हमें झूठे मुकदमे में टीआई साहब सुनील शर्मा जी द्वारा झूठे प्रकरण में हमें मुकदमा किया हमारे ऊपर और हमारे साथ बर्बरता से मारपीट की और 50,000 हमारी धर्मपत्नी से 50,000 रुपए की मांग की गई और 50,000 रुपए उन्हें नहीं दिए गए तो उन्होंने हमारा हम पे मुकदमा बना दिया। ये टीआई के जो कार्रवाई है उनके खिलाफ किया गया है, जो उनको निर्दोष फंसाया गया है जी, और इसकी जांच करने के लिए उन्होंने ये किया है, उनका ज्ञापन उन्होंने लिया जी, और एस डी पी चिकम और फॉरेस्ट की जो भी जांच के लिए है तो जांच की जाएगी और उसमें स्पष्टता से लेकर सारे दिनों पर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।